क्या 15 अगस्त को अपने गेम में मैजिक को अपडेट आने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। झूठ है कि सच, वो तो आप लोगों को वीडियो के अंदर से ही पता चलेगा। अच्छा। और अपडेट के बाद हमारे मैजिक सेक्शन में कौन कौन से न्यू बंडल्स आने वाले हैं, वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर ही दिखा दूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुपर हीरोज इवेंट, जिसके अंदर से आप लोगों को ढेर सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, उसका मेन इंटरफेस लीक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। इसके बाद सुपर हीरोज इवेंट के अंदर से आप लोगों को कौन कौन से फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो समझ सकते हो आज के वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे कहीं भी स्किप मत करना। अब चलिए फिर बिना किसी देरी किए, बिना किसी तरह बात किए शुरू करते अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते अपना आज का कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते भाई, थान समझते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुका है इस ज़ॉम्बी समराई रिंग इवेंट के बारे में। आज सुबह अगर आप लोगों ने एक भी बार गेम को ओपन किया होगा, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमारे गेम के अंदर ये वाला समराई एक्स रिंग इवेंट आ चुका है, जिसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को बीस्ट ऑफ द लेजेंड बंडल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया तो लगता है ये, और ऊपर से ये हमारे गेम के अंदर पहली बार के लिए आ रहा है। इसके अलावा जो ज़ॉम्बी समराई बंडल, ये वाला बंडल है, ये अपने गेम के अंदर आप लोगों को हर साल रिटर्न देखने के लिए मिलता है। पूरी की पूरी रिंग के अंदर तो यही दो रिवॉर्ड्स ही थे, पर अगर आप लोग एक्सचेंज सेक्शन के अंदर जाओगे आप लोग को यहाँ पे एक पूरा का पूरा इनक्यूबेटर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये वाला इनक्यूबेटर भी समराई थीम का है, और इसी इनक्यूबेटर के दो बंडल्स आप लोग को पास्ट में हमारे मैजिक ऑफ सेक्शन में भी देखने के लिए मिल चुके हैं। बाकी इनक्यूबेटर के बंडल्स के अलावा यहाँ पे आप लोग को एक बैकपैक भी देखने के लिए मिल जाता है, और तो और एक लूट बॉक्स भी है यहाँ पे, जो की मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर दिखा दिया। दोस्तों क्या आप लोगों ने इस न्यू रिंग इवेंट के अंदर स्पिन मारा कि नहीं मारा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, और साथ साथ ये भी बता देना कि इन दोनों में से किसी भी बंडल को निकालने के लिए आप लोगों को करने वालों को कितना डायमंड्स पे करना पड़ा। हां लिख देना। चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी के लिए हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे गेम के अंदर आने वाला सुपर हीरो स्पेशल इवेंट के बारे में। जल्दी हमारे गेम के अंदर सुपर हीरोज का ये वाला रिंग इवेंट आएगा, जिसके अंदर से आप लोगों को तीन तीन बंडल्स के साथ और भी कुछ रिवॉर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। या या या। और ऐसे रिंग इवेंट्स के अंदर आप लोगों को कितना ज्यादा डायमंड्स लगाना पड़ता है ये भी आप लोगों को पता है। या या या। लेकिन क्या आप लोगों को पता है इस सुपर हीरोज इवेंट के अंदर से आप लोगों को कौन कौन से फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं? नो। तो आइए अभी हम लोग उसी के ऊपर ही बात करते हैं। दोस्तों दरअसल ये जो सुपर हीरोज इवेंट है ना, इस इवेंट के इंटरफेस अलग अलग सर्वर्स के अंदर अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है, लेकिन सभी सर्वर्स के अंदर से आप लोगों को लगभग लगभग सेम ही रिवॉर्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि ये लीजिए दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का एक सर्वर के अंदर आने वाला सुपर हीरोज इवेंट, के अंदर से आप लोगों को ये वाला सरबोर्ड, कुछ इस टाइप गाड़ी का स्क्रीन, एक क्रेट और एक इमोट भी यहाँ पर से आप लोगों को फ्री में देखने के लिए मिल रहा है। वही बात कर ले दूसरे सर्वर्स के बारे में, यहाँ पे भी आप लोगों को वही सेम वाला इमोट, यहाँ पे आप लोगों को सेम गाड़ी का स्क्रीन, आप लोगों का सरबोर्ड हो जाता है, पर हाँ एक रिवॉर्ड यहाँ पे डिफरेंट है। अच्छा ही, अच्छा ही। तो ऐसे ना एक तरीके से ये कंफर्म ही हो चुका है कि सभी सर्वर्स के अंदर आप लोगों को इस सुपर हीरोज इवेंट के अंदर से सेम ही रिवॉर्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे भी वही रिवॉर्ड्स आएंगे, जिनका रिव्यू आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले रिवॉर्ड के बारे में बात कर ले तो वो है इमोट, हर एक सर्वर के अंदर से आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो हमारे यहाँ पे भी यही वाला इमोट आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को एक पिकअप ट्रक का स्किन देखने के लिए मिल जाता है, ये भी आप लोगों का सुपर पिक्सल थीम का ही है, जो कि हमारा सुपर हीरोज इवेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा जूम इन करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि पिकअप ट्रक का स्किन है ना दोस्तों, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इतना बढ़िया वाला गाड़ी का स्किन आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, इससे ज्यादा और चाहिए। हम लोगों ने दूसरे सर्वर के अंदर देखा था कि ये जो गैंड का स्किन है ना, वो वहाँ पे आप लोगों को फ्री में देखने के लिए मिल रहा था, वाले सर्वर के अंदर आप लोगों को ये वाला गैंड का स्किन देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है ये जो पैराशूट का स्किन आप लोग देख रहे हो ना, ये आप लोगों को हमारे सर्वर के अंदर एक्सक्लूसिवली हमारे सर्वर के अंदर फ्री में देखने के लिए मिल जाए, बाकी सारे सर्वर्स के अंदर नहीं। अगला एपिसोड के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हमारा एडवांस सर्वर के अंदर प्रेजेंट इस वाले न्यू कैरेक्टर के बारे में। पहले जब एडवांस सर्वर के ये वाला बैनर हमारे सामने आया था, तब हम लोगों को ना इस कैरेक्टर का नाम पता था और ना ही इसका काम, लेकिन फाइनली थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मेरे को इसका नाम भी पता चल चुका है और ये किस तरीके से काम करेगा वो भी पता चल चुका है। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से, जैसे कि आप लोग लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले कैरेक्टर का नाम स्नोइल हो सकता है, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे मैच कर रहा है। हाँ, इस वाले फोटो के अंदर इस कैरेक्टर ने एक चश्मा पहन रखा है, इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, पर हाँ सिमिलर लग रहा है। इसकी एबिलिटी के बारे में तो यहाँ पे लिखा है कंज्यूम एचपी टू इंक्रीज डैमेज, मतलब ये कैरेक्टर क्या करेगा, आप लोगों का थोड़ा सा एचपी कंज्यूम करेगा, उसी एचपी से सामने वाले बंदों को थोड़ा ज्यादा डैमेज देगा। अरे अरे खतरनाक लोग है। हाँ यार, कैरेक्टर तो थोड़ा सा खतरनाक है ही, लेकिन इसको जो बंदे यूज करेंगे ना, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि सोचो भी प्लेयर उसके एनिमी को मारने के लिए अपना ही एचपी जानबूझ के डाउन कर रहा है कि वो अपने एनिमी को थोड़ा ज्यादा डैमेज दे पाए। समझ रहे हो, एनिमी को किसी भी हालत में मारना ही मारना है, चाहे उसके लिए अपना एचपी डाउन क्यों ना करना पड़ जाए, खुद को क्यों ना मरना पड़ जाए।
यार मुझे नहीं लगता है इस कैरेक्टर को ज्यादा लोग यूज करेंगे, क्योंकि फायदा देने के साथ साथ ही आप लोगों का थोड़ा सा नुकसान भी करवाएगा। बाकी आप लोग बताइए दोस्तों, ये कैरेक्टर आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगाओ आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना। वीडियो का नेक्स्ट अपडेट सीधा मैजिकल स्टोर का अपडेट ही होने वाला है। तो क्या 15 अगस्त को हमारा मैजिकल स्टोर अपडेट होने वाला है? अगर होने वाला है तो उसके अंदर आप लोगों को कौन कौन सी बंडल्स दिखने के लिए मिल जाएंगे सब बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो जल्दी से जल्दी वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करने के साथ साथ वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना अगर आप लोग ऐसे ही मस्त वीडियोस रोज देखना चाहते हो। भाई ने बोला करने का तो करने का, कर दिया, चलो अच्छी बात। अभी ना हम लोग नेक्स्ट मैजिको अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैजिको स्टोर में आने वाले बंडल्स के बारे में। उसके बाद 15 अगस्त को हमारे गेम के अंदर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मैजिको स्टोर अपडेट आएगा या फिर नहीं, वो भी आप लोगों को बता दूंगा। चलो चलो चलो, तो मैजिको स्टोर में आने वाला नेक्स्ट अपडेट के अंदर सबसे पहला बंडल आप लोगों को ये वाला बंडल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका नाम है मिस्टर ICM हेड बंडल। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, वैसे बंडल भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो इसका इतना बड़ा नाम होना तो ये डिजर्व ही करता है। इसके अलावा इसका फीमेल वर्जन जिसका नाम है मिस ICM हेड बंडल, ठीक है, वो भी आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। पिछली बार जब हमारे गेम के अंदर मैजिको स्टोर में अपडेट आया था ना, उस टाइम पे इनक्यूबेटर वाले बंडल्स अपडेट नहीं हुए थे। चांसेस आर हाई कि अगली बार नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जब भी मैजिको स्टोर में कोई भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा उसके अंदर हमारे इनक्यूबेटर बंडल्स तो अपडेट होंगे ही होंगे, और नेक्स्ट बंडल्स जो भी आएंगे मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इनके अलावा फिर बात कर ले बाकी सभी बंडल्स के बारे में, तो ये तो आप लोगों को ही पता है, मेरे को ही पता है, बाकी जितने ही बंडल्स हमारे मैजिको स्टोर में आजकल गरना वाले दे रहे हैं वो सभी के सभी घटिया है, एकदम टट्टी वाले। ये तो टट्टी है। पर हाँ यार, सिर्फ इनक्यूबेटर वाले बंडल्स तो अपडेट नहीं होंगे, ये सभी बंडल्स भी आप लोग को नेक्स्ट मैजिको अपडेट में दिखने के लिए मिल जाएंगे, तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। वैसे इन सारे बंडल्स को दिखाने के टाइम में ना मैं आप लोग को थोड़ा सा वीडियो ना फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, इन सारे बंडल्स को देखते हुए आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो दोस्तों। और एक बात, नेक्स्ट मैजिको अपडेट के अंदर ना चांसेस आर हाई कि आप लोग को जो जोकर वाला बंडल है वो भी अपने मैजिको स्टोर में दिखने के लिए मिल जाए। उसका वीडियो मेरे को यहाँ पे कहीं मिला नहीं, लेकिन हाँ लीक्स के मुताबिक वो भी हमारे मैजिको स्टोर में आने वाला है। इसी के साथ साथ बात कर लिया जाए 15 अगस्त को आने वाला मैजिको स्टोर अपडेट के बारे में, तो देखिए यार 15 अगस्त को मैजिको स्टोर अपडेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गरेना की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन हमें नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन अगर 15 अगस्त को मान लो मैजिको स्टोर अपडेट नहीं भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कितना टाइम और इंतजार करना पड़ेगा? 4 सितंबर तक ही, क्योंकि 4 सितंबर को हमारे गेम के अंदर OB46 का अपडेट भी आ रहा है। अगर 15 अगस्त वाले दिन मैजिको स्टोर अपडेट नहीं भी होता है तो 4 सितंबर को तो हो ही जाएगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हाँ, बातें तो चलती रहेंगी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट अपडेट के बारे में, यानी कि हमारा आज का 28 अपडेट के बारे में। दोस्तों आज के 12 बज के बाद हमारे गेम के अंदर कुछ इस टाइप के एक बैनर आ सकता है, और इसी के साथ साथ आज के 12 बज के बाद हमारे गेम के अंदर सुपर हीरोज इवेंट का शुरुआत भी हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर लॉगिन वाला मिशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर से आप लोगों को कुछ गन क्रेड्स वगैरह फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगे, ज्यादा कुछ खास है नहीं। आने वाले 2-3 दिन के बाद हमारे गेम के अंदर सुपर हीरो इवेंट का वो वाला इंटरफेस आने वाला है जो कि मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखा दिया था। साथ साथ इस इवेंट के अंदर से मिलने वाले जितने भी रिवॉर्ड्स है वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखा रखा है, इनके बारे में भी सोच के टेंशन नहीं लेने का, वो सारे इवेंट्स वो सारे रिवर्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। बाकी विद्यार्थी चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।